चलिए, मैं आपका अपना अमन कुमार एक नए वीडियो के साथ फिर से अपने चैनल पे आ गया हूँ। और आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। सही बात है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं पूरे स्टार्टिंग से। अगर 11th 12th के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये काम का है, और ग्रेजुएशन के हैं तो भी, क्योंकि सेट थ्योरी एकदम पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है और हायर लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। और जितना भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सेट थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है पार्ट वन में। तो आप ये वीडियो ज़रूर विजिट करें और पूरा वीडियो देखें ज़रूर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारा मतलब दूसरा वीडियो आएगा या फिर नया वीडियो आने वाला होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए, सेट थ्योरी है चैप्टर नाम। सेट थ्योरी फोर किसके लिए? 11th 12th सबके लिए है ये। 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन BSc जो आप ले लें, ठीक है, सब के लिए है ये। तो सबसे पहले सेट थ्योरी में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट क्या होता है, तो हम लोग सेट की पहले बात करेंगे, आखिर सेट है क्या। तो सेट जो है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब बच्चा इसको रट तो लेता है वेल डिफाइंड, लेकिन वो यही नहीं समझ पाता कि वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि सबके लिए जो है वो सेम ही होना चाहिए। जैसे अभी सेट हम लिखते हैं, सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट क्या है, इट इज कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसको पता करने के लिए हम लोग अपने से थोड़ा दिमाग उमाग लगाया जाए। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि जो है वीक का, ठीक है, वीक का एक सेट तैयार कीजिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट है क्लास में और उनको कहा गया कि वीक का जो है एक सेट बनाओ। तो वीक का सेट में आप क्या बनाइएगा, वीक का नाम बनाइएगा, वीक का नाम बोलते हैं, वीक में जो एलिमेंट्स है मतलब डेज है उनका नाम लिखिएगा। जैसे क्या है, मंडे है, ट्यूजडे है, यही सब रहेगा संडे तक। और सब के लिए वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसा थोड़े ना है कि आप कुछ और लिखिएगा और दूसरा कोई और लिखेगा। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होने का मतलब यही होता है कि सब के लिए वो चीज सेम होना चाहिए। अगर बोल दिया जाए कि सेट तैयार कीजिए अपने अपने फेवरेट राइटर्स का या फिर फेवरेट मूवी का, तो सबका तो अलग अलग फेवरेट मूवी है तो सब अलग अलग होगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि जो सबके लिए सेम हो। अगर बोल दिया जाए कि आकाश में जो है आप मतलब जितना भी स्टार्स है उसका सेट तैयार कीजिए, तो सबके लिए तो स्टार सेम ही है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके लिए अलग होगा और दूसरे के लिए अलग होगा। ठीक है, तो सेट थ्योरी में जो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब है ये है। ठीक है, तो सेट थ्योरी ये हो गया। अब सेट थ्योरी को जो है हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे उसको रिप्रेजेंट उसको बताने से पहले एक चीज और। सेट जो होता है, किसी भी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स के द्वारा, कैपिटल लेटर्स के द्वारा। ठीक है, एंड इट्स मेंबर्स लिख सकते हैं आप, एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी एलिमेंट्स भी जो भी हो। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट्स है या फिर मेंबर्स है आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है,
स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं कि एग्जांपल में, मान लेते हैं कि ऐसी कोई एक सेट है, किसका, वह ई मतलब इवन नंबर्स का, 2, 4, 6, 8 सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। तो अब सेट भी दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। और इस ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर एक कोई सेट हो, एलिमेंट्स हो, तीन ही एलिमेंट हो, ए बी सी, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका सेट है। अब सेट क्या होता है, दो तरह का होता है, एक बोल सकते हैं आप फाइनाइट सेट, एक बोल सकते हैं आप इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट वैसा सेट होता है जिसमें जो है एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स हो आपको पता हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन, ठीक है। तो लिखेंगे द सेट इन विच, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन, मतलब हमको पता हो कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर ऐसा भी बोला जा सकता है कि सेट जो है, ठीक है, तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि एस कोई सेट है, कौन सा सेट, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का, तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा, 10 तक, इससे ज़्यादा थोड़ी ना जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि आपको इसके अंदर का एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है वो आपको पता है, या फिर लास्ट टर्म नोन है, ठीक है। जिसका लास्ट टर्म नोन होता है वो भी क्या होता है, आपका फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ही लिखिए, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है, whose last term is known, ठीक है। तो वैसा सेट जिसका लास्ट टर्म क्या हो आपको पता हो, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाता है, द सेट हुज लास्ट टर्म इज अननोन, मतलब आपको पता ही नहीं है कि उस सेट में का जो है लास्ट टर्म क्या है, अननोन, तो वो आपका सेट हो जाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे एस सेट है नेचुरल नंबर्स का, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ खत्म होता है, 1, 2, 3 सो ऑन चलते रहेगा, ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सेट को जो है दो तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, दो मेथड्स है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करते हैं, तो या फिर स्पेसिफाई करने के लिए सेट को। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट देर आर टू मेथड्स, दो मेथड होता है, कौन कौन सा, पहला जो होता है ये होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा होता है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होता है सीधा उसको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है तो उसमें हम उसको लिख के दिखाते हैं कि आखिर वो है कैसा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं जरा रोस्टर में क्या होता है, आप देखिए, इन रोस्टर फॉर्म
इन्वेस्टर फॉर्म वी लिस्ट, हम लोग लिस्ट बनाते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट, ठीक है, विद इन ब्रेसेस। आपको पता होगा कि ये वाला जो है इसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड सेपरेट, और जो ये छोटा वाला होता है ये पता है कि नहीं, ये छोटे वाले को पैरेंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेसेस है, एंड सेपरेट देम बाय कोमास, और कोमास के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं। ये ब्रेसेस का ही यूज किया जाता है, ठीक है, आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे भी जो हम यूज किए हैं वो किसका यूज किए हैं, ब्रेसेस का ही यूज किए हैं, ठीक है। तो सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में बोल दे इस तरह से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे दिखाइएगा। मान लिए लेट एन, जो एन है वो नेचुरल नंबर एन होता है, एन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी सब पे आएंगे कि किस तरह का नोटेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एन क्या हो सेट नेचुरल नंबर्स का, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स को सीधा 1 2 3 4 5, और ये चलता रहेगा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। लेकिन जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का ही होता है, ठीक है। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत अच्छे तरह से समझे, ताकि ये जो है आपको हमेशा काम दे, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में है तो आपको जनरली ये नहीं मिलने वाला, आपको जनरली मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म ही, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग करते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट, हम लोग लिस्ट बनाते हैं किसका, द प्रॉपर्टी और, ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज का, एक से ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है, सेटिस्फाइड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को लेकर के एक सेट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं, हम बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना, तो क्या लिखिएगा आप, लेट एन, ठीक है, इसको लिख दीजिए जैसे एन बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम तो ब्रेसेस तो शो करना ही पड़ेगा, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी देखिए आप, क्या है इसका प्रॉपर्टी इस सेट का, कि एन जो है वो नेचुरल नंबर है, यही इसका प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं एक्स सच डैट, वैसा हो कि एक्स इज नेचुरल नंबर, हो गया। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए, उसके बाद अभी जो हम यहाँ पे नोटेशंस कुछ लिखवाएंगे, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है, कि जो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इसका मीनिंग क्या है, ये जो यूज करेंगे इसका मीनिंग क्या है, ये यूज करेंगे इसका मीनिंग क्या है, तो अलग अलग है। तो इतना करने के बाद बस उसको करके आज के लिए रोकेंगे वीडियो, ठीक है। तो चलिए, इतना करने के बाद हम लोग नोटेशंस पे थोड़ा आते हैं।